हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो पुर्तगीज के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इंडिया में विजिट किया है, उस विजिट में क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, पुराना इतिहास क्या रहा है, हम दोनों का अब तक का रिलेशन कैसा रहा है इंडिया पुर्तगाल का, उन्होंने कहाँ कहाँ पर विजिट किया, किन किन मुद्दों पर बात हुई, वो सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में भी। उसी के साथ जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिससे कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होगा। उसी के साथ साथ जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन के जो भी प्रोग्राम्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उनको लेकर के जो भी अपडेट है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी उस टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। देखो, न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के प्रेजिडेंट हैं मार्सेलो रेबेलो डे सूसा, वो विजिट करेंगे, वो उन्होंने विजिट किया इंडिया में 13-16 फरवरी 2020 में। लास्ट विजिट जो हुआ था पुर्तगीज़ के प्रेसिडेंट का इंडिया में वो हुआ था 2007 में, यानी कि लगभग 13 साल बाद पुर्तगाली प्रेसिडेंट जो है वो भारत आए। हाइलाइट्स की बात करते हैं, मीटिंग्स की हाइलाइट की बात करते हैं, तो दोनों कंट्रीज़ में आपस में 14 एग्रीमेंट्स हुए जिसके अंदर मैरिटाइम हेरिटेज, मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट, पोर्ट डेवलपमेंट, माइग्रेशन, मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एयरोस्पेस, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, योगा, साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिक पॉलिसी को लेकर के जो थे फील्ड्स थे, जिनमें 14 एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग्स दोनों के बीच में हुई है। एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ है कि दोनों आपस में कोऑपरेट करके एक नेशनल मैरिटाइम म्यूजियम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे लोथल गुजरात में। अगर उसके अलावा परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी, पुर्तगाल ने कहा है कि वो इंडिया को परमानेंट सीट दिलाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन में ज़रूर जो है साथ देगा। उसके अलावा इंडिया पोर्टुगल जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जो नेक्स्ट सेशन होगा इंडिया पोर्टुगल जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी का, वो इंडिया में होगा, जिसके अंदर दोनों देशों में जो बायलेटरल ट्रेड है और जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उनको लेकर के बातचीत की जाएगी, किस तरीके से आपस में द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके और मजबूत किया जा सके। उसके अलावा पुर्तगाल ने कहा है कि जो कमेमोरेशन होगा महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी का, उसमें भी सपोर्ट करेगा। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट थे पुर्तगीज़ के, वो विजिट, उन्होंने गोवा भी विजिट किया जहाँ पर उन्होंने बहुत पुराने चर्च देखे, जैसे एक था बेसिलिका ऑफ बॉन जीजस, जहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर के कुछ अवशेष जो हैं अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, और उसके अलावा वो गए इंस्टीट्यूट मैटर दे सेंट मोनिका, एक चर्च है ओल्ड गोवा में जो कि एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा वो क्रिश्चियन आर्ट म्यूजियम में भी गए जो उसी प्रेमिसिस में है। उसके अलावा उन्होंने और जो ओल्ड स्ट्रक्चर हैं वो देखे जो कि लगभग 9 किलोमीटर दूर है पनजी से, और वहाँ का जितना भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स हैं और को यूनेस्को ने जो है सर्टिफाई किया हुआ है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा जो आपका सेंट मोनिका चर्च है वो 450 साल पुराना है और वो कुछ उन चर्चों में से है जो पुर्तगीज़ ने गोवा में बनाए थे 1525 के अंदर में, कुछ पहला चर्च है जो पुर्तगालियों ने 1525 में गोवा के अंदर बनाए थे। उसके आगे अपकमिंग कोलैबोरेशन की बात होती है तो पुर्तगाल जो है नियर फ्यूचर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस IASA उसको ज्वाइन कर सकता है। आपको पता है कि IASA की जो नींव है वो भारत ने रखी थी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में ही है, तो उसको जो है ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा इंडिया जो है एक एसोसिएट ऑब्जर्वर है कम्युनिटी ऑफ पुर्तगीज़ लैंग्वेज कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है जो। और इसके अलावा दोनों ने बात की है कि किसी भी दोनों ने बात करी है कि किस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है उसमें, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो इंगेजमेंट है उनको थोड़ा और गहरा बनाया जा सके, थोड़ा और डीप किया जा सके, क्योंकि पुर्तगाल जो है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी लेगा 2021 में। इस स्लाइड में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर बेसिकली एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या नाम है मॉडर्न टाइम में क्रिश्चियनिटी को फैलाने का बहुत बड़ा काम किया है इंडिया में, मलाले आर्चिपलेजो में और जापान के अंदर, ठीक है। तो
तो वो कुछ उन मिशनरीज का पार्ट रहे हैं जिन्होंने मॉडर्न टाइम में क्रिश्चियनिटी के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन तीन कंट्रीज़ में। उसके अलावा CPLP की बात करें, कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज, तो बेसिकली ये 8 मेंबर का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि आपस में म्यूचुअल फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अंदर वो नेशन आते हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली है, जैसे एंगोला, ब्राज़ील, केप वर्डे, ईस्ट तिमोर, गुयाना बिसाओ, मोजाम्बिक्यू, पोर्चुगल, साओ टोम और प्रिंसिपी, ठीक है। और इसको जो क्रिएट किया गया था 17 जुलाई 1996 में किया गया था। उसके अलावा दोनों के रिलेशन की बात करते हैं, इंडिया और पुर्तगाल के दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए वो 1949 में स्टार्ट हुए। तो दोनों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए 1949 में स्टार्ट हुए, लेकिन जो बायलेटरल रिलेशंस थे वो जो हैं थोड़े से ख़राब होने शुरू हो गए 1950 से, जब पुर्तगाल ने मना कर दिया कि वो उसके जो इनक्लेव्स हैं गोवा में, दमन दीव, दादरा नगर हवेली में, उनको सरेंडर नहीं करेगा। 1955 में दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसके बाद ऑपरेशन विजय हुआ, इंडियन मिलिट्री फोर्सेज ने गोवा को आज़ाद करवाया 1961 में, और वहाँ से 450 साल पुराना जो पुर्तगालियों का जो शासन था वो ख़त्म हो गया। 1974 में इंडिया और पुर्तगालियों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसके अंदर जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाल था, उसने भारत की संप्रभुता मानी गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और उससे जुड़े हुए मैटर्स के ऊपर, और इसी के साथ जो थे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है दोबारा रीएस्टेब्लिश हो गए। बायलेटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट फॉर कॉरपोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो 3 दिसंबर 1998 में हुआ था। उसी के अलावा सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में इनोग्रेट हुआ अप्रैल 2016 में, और ये पहला ऐसा सेंटर है किसी भी यूनिवर्सिटी में पुर्तगाल में जो डेडिकेटेड है इंडिया की स्टडी के लिए। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो बताता है कि किस तरीके का दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। पहले मजबूत थे, फिर ख़राब हुए, ऑपरेशन विजय हुआ, फिर 1974 में सॉवर्जिनिटी उन्होंने मानी हमारी, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के एग्रीमेंट 1998, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ इंडियन स्टडीज़ का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो ये था इस वीडियो के अंदर हमने जाना, बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस का ये टॉपिक हो गया आपका, जिस पार्ट टू का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे आपके CPLP हो गया ये, और फ्रांसिस सेवियर का पार्ट हो गया, ये प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। इसी के साथ आपके कोई भी सजेशंस है, फीडबैक है, आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए, हम उनके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।